फिर से आप सब स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड आज बहुत ही मौसम अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, सावन का पहला बारिश आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं नहाने। अनमोल अनमोल के पापा भी नहाने जा रहे हैं और अनमोल का मम्मी और उनकी बहन नहा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ नहाने। फ्रेंड मज़ा आएगा, बहुत तेज़ बारिश आ रहा, दिखा रही हूँ आप लोगों को। अनमोल का मम्मी नहा रही हैं, वो देखिए अब बारिश बहुत तेज आ रहा है, मज़ा आएगा नहाने में। मैं भी नहाने जा रही हूँ फ्रेंड। फ्रेंड हम लोग नहाने लगे हैं, आ जाइए आप लोग भी नहाने। फ्रेंड इन लोगों का मस्ती, शिवम बाल्टी में पानी भर के अनमोल के मम्मी के ऊपर, उसके अनमोल के मौसी के ऊपर, उसके पापा के ऊपर फेंक रहा है। देखिए अब बारिश बहुत मस्त आ रहा है, देखिए इतना तेज बारिश आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है नहाने में। बहुत पानी लगा है, देखिए आज बहुत मज़ा आ रहा है नहाने में। वही ये देखिए अनमोल के पापा को ऊपर पानी फेंक अनमोल के पापा पानी रोक रहे हैं, उसमें हम लोग पौड़ेंगे इसी में। अभी देखिए वहाँ पर रोक रहे हैं। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड नहाने में, बहुत ज़्यादा। अब मैं भी जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड बारिश ख़त्म हो गई और यहाँ पे देखिए पानी लग जाता है, तो सबसे बेकार मुझे यही लगता है कि पानी इधर लग जाता है ना, आने जाने में पैर में पानी लगता है, रूम में भी पानी पानी हो जाता है। तो इसको साफ़ कर दूँगी, उसके बाद से पोछा लगा दूँगी। और सावन के पहला दिन बारिश आया है, भोलेनाथ जी बहुत खुश हो गए हम लोगों पे, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड, बहुत ही एकदम मस्त हो गया है नहा के शरीर ठंडा ठंडा। काफ़ी दिनों से ना बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैं वाइपर लगा दी, अब यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, सूख जाएगा, उसके बाद से झाड़ू लगाऊंगी नहाने के बाद। तो इसीलिए मैं साफ़ कर दे रही हूँ कि ना ये सूखता नहीं है जल्दी, जब तक पोछो ना, वाइपर से तो मारती हूँ तो वाइपर से साफ़ नहीं होता है, जब तक पोछा ना लगाओ तब तक। मैं जा रही हूँ फ्रेंड नहाने, क्योंकि ठंडा लग रहा है, बारिश भी ख़त्म हो गई है। देखिए और मुझे वो कपड़ा भी खंगाना है, टंकी हमारे मेरे वाले टंकी में ना, जिसमें हम लोग और हमारे वाले टंकी में पानी नहीं है, बिना खंगारे कपड़ा रख दी हूँ, बस उसको सरफ से निचोड़ के रख दी हूँ। शिवम गया उधर पानी लेने अनमोल के मम्मी के तरफ से, तो दिखा रही हूँ, देखिए लेके आता वो ले आ रहा है शिवम पानी नहाने के लिए, अपने लिए एक बाल्टी, मेरे लिए एक बाल्टी। ये देखिए केला का पौधा कितना मस्त बड़ा हो गया है, भैया इसमें खाद बहुत डालते हैं हमारे मकान मालिक भैया। ये देखिए कितना अच्छा पौधा ही था लगा, सारे बच्चे वही बनाएगा, तो नहा ले तो आ जा तुम, तू वही बना ले, मेरे लिए एक बाल्टी लेके आ जा शिवम, मेरे लिए एक बाल्टी लेके आ जा। अब शिवम वही पे नहाएगा, मैं बाद में नहाऊंगी, आ जा लेके। बारिश में नहा के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही काफ़ी दिनों से ना इतना गर्मी बहुत गर्मी हो रहा था, पर आज तो मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा था, हम लोग खूब इंजॉय किए बारिश। और शिवम भी नहा के आ गया, अब मैं जा रही हूँ नहा के आऊँगी, जा रही हूँ फिर पानी कपड़ा में के पानी टपक रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पानी कमी हो गया है, अब इसको भी साफ करके जा रही हूँ नहाने। देखिए फ्रेंड मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाल गीला है तो टॉवल बांध ली हूँ, और देखिए मौसम इतना साफ हो गया है, अब बारिश नहीं आएगा। अब मैं बाल सुखा लूँगी, उसके बाद से बाल बांधूँगी, क्योंकि गीला गीला बाल रहता है ना तो बहुत टूटता है जब कंघी लगाते हैं, इसको अच्छा से सुखा लूँगी, उसके बाद से कंघी लगाऊँगी। और एक दो बर्तन पड़ा है यहाँ पे, देखिए इसको भी धोना है। ये शिवम आया है ना स्कूल से, तो हम लोग स्कूल से आया, वैसे बारिश आ गया तो खाना खा रहा था, तो हम लोग को देख रहा था कि नहा रहे हैं, तो उसको लालच आया तो खाना भी नहीं खाया, देखिए उसी तरह से ऐसे खाना छोड़ के चला गया है। तो बर्तन को थोड़ी देर बाद में धोऊंगी फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ इस बाल को सुखा लूँगी अच्छा से। फ्रेंड 6:15 हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो क्या बनेगा खाना में चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो खाने में बनेगा फ्रेंड केला का मसालेदार सब्जी,
तो कच्चा केला का मसालेदार सब्जी बनाऊंगी, और पहले सब्जी बना दूंगी, उसके बाद से धीरे से रोटी बनाऊंगी, मतलब थोड़े देर बाद में, क्योंकि गरम गरम रोटी रहता है खाने में अच्छा लगता है। सब्जी तो सब्जी में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सब्जी पहले बना लेती हूँ, उसके बाद से धीरे से रोटी बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी सब्जी सब्जी रोटी होगी सब्जी। तो फ्रिज में से मैं केला निकाल ले रही हूँ, आधा किलो केला लाई थी तो इसमें से रात बनाई थी 2 किलो के, तो उसमें आलू डाली थी, तो आधा किलो में से 3 बचा है। और मिर्चा भी निकाल ले रही हूँ, नींबू लाई हूँ, देखिए इतना नींबू पानी गर्मी के दिन में पीने में अच्छा रहता है, इतना नींबू है। और मिर्चा निकाल ले रही हूँ सब्जी में डालने के लिए, अभी दूध है फट गया है क्या, अभी दूध है। मैं केला को छीन ले रही हूँ, आज भी लग रहा है इसमें आलू डालना पड़ेगा, थोड़ा सा रहेगा तो देखूंगी, इसमें हो सके तो आलू भी डाल दूंगी, कम दिख रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम फॉल पेपर लाया, उसको बहुत शौक लगा रहता है फॉल पेपर का, तो ये देखिए लेके आया, बोला मम्मी इसी में रोटी है, मुझे लपेट के दे दीजिएगा। तो ये देखिए लाया 50 रुपये का, मैं पहली बार ये यूज कर रही हूँ, मतलब उसको दे रही हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये ना बोलते हैं सेहत के लिए सही नहीं रहता है फॉल पेपर, इसलिए मुझे ये जो शरीर को नुकसान देता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिवम बोला था मुझे चाहिए थे, तो मैं बोली चलो ले आ दो, एक बार ले आ दो, अभी ख़त्म हो जाएगा तो मैं दोबारा नहीं लाऊंगी, अभी बहुत दिन तक जाएगा, एकदम मैसेज आ रहे हैं मोबाइल पर। मैं केला को छील ले रही हूँ, मुझे लग रहा है इतना होगा नहीं तो इसमें मैं डालूंगी आलू, एक दो अच्छा लगता है आलू भी डाल देंगे, पहले हल्दी वाला डिब्बा में हल्दी खत्म हो गया, तो देखिए फ्रेंड ये हल्दी का पैकेट है, मैं एक बार इसमें से निकाल चुकी हूँ, इतना बच गया था इसको बांध के रख दी, देखिए पन्नी में पैक करके, ऐसे वो देखिए टेप चिपकाया है इसके ऊपर, कितना इसमें देखिए टेप इतना चिपका दिया है। तो फ्रेंड मसालेदानी में मसाला भी खत्म हो गया है, तो इसको भी रख दे रहे हैं, गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, जीरा धनिया है, ये जीरा धनिया का पाउडर है, तो ये भी खत्म हो गया था। छोटा सा कटोरा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है मसाला इसमें। फटाफट अब केला छील ले रही हूँ, पन्नी पे केला के छिलका को छील के सब्जी काट ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितना गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है इस किचन में, और ज़्यादा गर्मी होता है, ये ऊपर देखिए कैसे है, बारिश हुआ है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो मैं प्याज आलू ले ले रही हूँ, मैं एक आलू ली हूँ, केला कम लग रहा है, सब्जी इतना में हो नहीं पाएगा, और 2 प्याज ली हूँ, और लहसुन एक ली हूँ, और मिर्चा ली हूँ, तो इन सबको मैं काट ले रही हूँ, केला को और आलू को। सब्जी काट
कर ली मैं, और ये प्याज को भी छिली हूँ, और यहाँ पर लहसुन मिर्चा चोकर में रख ली हूँ, इसको भी चोक कर लूँगी और प्याज को भी, और इसके बाद से बनाऊँगी सब्जी। लहसुन मिर्चा को भी चॉप कर ली हूँ और प्याज को भी। अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। अब तेल गर्म होगा तो इसके बाद से मेथी, जीरा, हींग ये सब डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालूँगी तेज पत्ता, ये मेथी डाल दे रही हूँ, जीरा, हींग और ये लहसुन मिर्चा। तो देखिए फ्रेंड लहसुन मिर्चा का कलर चेंज हो गया, अब इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। तो फ्रेंड प्याज को भी ऐसे ही चला चला के अच्छे से भून लूँगी, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद से डालूंगी ये सब्जी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं चोपर को धो कर रख दी हूँ, नहीं तो बाद में लेट से धोती ना इसमें स्मेल आने लगता है, प्याज का अजीब सा स्मेल आता है, तो इसीलिए मैं तुरंत धो देती हूँ इस चोपर को। देखिए धो कर रख दी हूँ, और यहाँ पर देखिए प्याज अभी भुना रहा है। तो देखिए फ्रेंड प्याज भुना गया, अब इसमें डाल दे रही हूँ सब्जी को। इसको अच्छे से चला ले रही हूँ, सब्जी को 5 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी इसको भी। इसके बाद से डालूँगी मसाले, इसको ऐसे ही ढक ढक के सब्जी को भून लूँगी। अब देखिए अब शाम होने लगा, और शिवम टीवी देख रहा है अंधेरा अंधेरा करके, बिस्तर के देखिए कैसे किया है, इधर देखिए टीवी चलाया। अब डालेंगे सब्जी में मसाले, देखिए सब्जी, देखिए सब्जी, तो देखिए फिर सब्जी भून चुकी हुई तो अच्छा आती है। अब इसमें डालेंगे मसाले, देखिए सिंपल सादा मसाला, ये गरम मसाला है, तो ज़्यादा मसाला में तो फ्रेंड हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, ये गरम मसाला था, ये धनिया जीरा का पाउडर है, और ये नमक, रोटी से खाना है तो थोड़ा सा नमक डाल दें, और हल्दी, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और इसको रसेदार नहीं बनाऊँगी, लटपटा बनाऊँगी, क्योंकि रोटी से खाना है सब्जी को, सूखी सब्जी बनाऊंगी एकदम जो लटपटा होता है ना वो, इसी तरह से। तो इसमें पानी हम नहीं डालेंगे इतना ही। तो फ्रेंड ये सब्जी को धीमी आंच पे बना लूंगी, इसको ढक ढक के धीमा आंच कर दे रही हूँ। फ्रेंड सब्जी बन रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ जो चला दूँ, समय हो गया जो चलाने का, और शिवम सब्जी जाके बीच बीच में चला देना, जब तक मैं जो चला दूँ। देखिए 7 बजने जा रहा है, 5 मिनट कम है, अब मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ जो चलाने। तो देखिए फ्रेंड सब्जी बन चुका है, और अब मैं जा रही हूँ ये कढ़ाई धोने, गरम गरम है, धो दे रही हूँ लोहा, कढ़ाई गरम गरम धो देने पर जल्दी से छूट जाता है, इसको धो दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड कढ़ाई धो ली हूँ, और इसको अच्छा सा पोंछ दे रही हूँ, और गैस पर रखी हूँ ताकि इसका पानी जल्दी से सूख जाए। तो ये देखिए पानी सूख गया है, अब इसमें डालूँगी तेल, और तेल डाल के इसको अच्छा से सुखा मिला लूँगी, मिला कर रख दूँगी, और रोज़ का यही काम है मुझे, लोहा कढ़ाई में जब भी सब्जी बनाती हूँ ना बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड। लोहा कढ़ाई जिसके पास होगा लोहा कढ़ाई उनको पता होगा, लोहा कढ़ाई भजने में कितना मेहनत लगता है, ये जल्दी छूटता नहीं है,
देखिए तेल लगा दी और आगे भी लगा दी और इसके पीछे भी लगाऊंगी, पीछे भी जंग पकड़ लेता है, तो देखिए पीछे भी लगा दी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक फॉर वॉचिंग।